हाउस में आए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। अमरोहा पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल की तुलना मंगल ग्रह के प्राणी से कर डाली। मोदी ने कहा कि जिसके इशारे पर सरकार चलती है वो अपनी सरकार के पापों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी बोले कि देश के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं। रैली में लाखों की तादाद में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद मोदी ने लोगों को विजय शंखनाद रैली का मतलब भी समझाया। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर सत्ता हत्या कर रहे हैं, मैं उन पर खुले खुला आरोप लगाता हूं, आपके लिए सेकुलरिज्म एक चुनावी नारा मात्र है। हमारे लिए सेकुलरिज्म हर संप्रदाय हमारा है। आपके लिए सेकुलरिज्म एक वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राष्ट्रनीति है। आपके लिए सेक्युलरिज्म तो और राजकरो का मंत्र है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। आपके लिए सेक्युलरिज्म नाकामियों को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। आपके लिए सेक्युलरिज्म ये रिलीजन फर्स्ट है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट है। आपके लिए सेक्युलरिज्म राजनीतिक हथकंडा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म राष्ट्रनीति की आस्था है। उनके लिए सेक्युलरिज्म एपिकमेंट फॉर फ्यू जस्टिस फॉर नन। हमारे लिए सेक्युलरिज्म अपीजमेंट फॉर नन जस्टिस फॉर ऑल इस मंत्र को हमने लेकर के चले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती को लहूलुहान करने वाले, यहां को तबाही लाने वाले, भाई से भाई को लड़ाने वाले, इन लोगों से मुक्ति दिला करके भाई कंवर सिंह को विजयी बनाइए। एक कमल दिल्ली में मुझे एक कमल आपका भी चाहिए। जनता को एक मैसेज गया आज सारे हमारे प्रदेश, पहले यही नहीं पूरे देश के लोग मोदी के साथ हैं और देश में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं और हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जो देश का विकास नहीं हुआ, जो देश में भाईचारे की कमी आ रही है उसको बढ़ाने के लिए जनता ने मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपनी बाकी रैलियों की तरह अमरोहा में भी जमकर दहाड़े। हमेशा की तरह मीडिया के सवालों से अमरोहा में भी दूर रहे, लेकिन अपने अंदाज में उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को खूब जमकर कोसा। बागपत पहुंचे बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली से जनता को